दिल्ली के प्रतापपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किराए के घर में रह रहे पति पत्नी को खून से लथपथ पाया गया। खास बात यह है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था और दोनों के शरीर पर धारदार चाकू से वार किए गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 8 साल पहले हुई थी और दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है। इस मामले में पुलिस को शक है कि पहले पति ने पत्नी की हत्या की, उसके बाद खुद की आत्महत्या कर ली। मेरे बेटा बहू की हत्या की गई है, मुझे 11:30 बजे खबर मिली है। मैं फिर भक्का आया तो मुझे ये बुलाया गया कि ड्रामा सेंटर जाओ। ड्रामा सेंटर पहुंचा, वहाँ मुझे बहू बेटा नहीं मिले। पुलिस के द्वारा क्या बताया गया था, किस तरीके से पुलिस की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास कॉल नहीं पहुंची है कि आपके बेटा खत्म हो गए। मेरी बेटी ने कॉल किया कि भैया पापा बेटा भैया को वहाँ ले गए। मेरी बेटी आई थी यहाँ पे, बेटी को बेटी क्या देखी किस तरीके से बेटी बेटी आई है, बेटी हड़बड़ा गई है। उसके बाद में बेटी ने कॉल करा कि पापा भैया को ड्रामा सेंटर ले जा रहे हैं। बेटा और बहू कहाँ रहते थे? बहू और बेटा पहलादपुर में रहते थे किराए पे। बताया जा रहा है कि मृत महिला अलीगढ़ से बीजेपी विधायक की साली है। वहीं इस मामले में पुलिस छानबीन में जुट गई है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।